वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दिल्ली दे विच दिल दहलाण वाली जिहड़ी घटना होई है सारी दुनिया नूं पता है इस गल दा, पर खास करके जिहड़ी चीस आ उह सिखां दे हिरदे विलुंदर गई है, क्योंकि दिल्ली दे तख्त ने सदा ही सिखां नाल वैर कमाया और इन्हां रज के वैर कमाया। ना गुरु ग्रंथ साहिब सेफ, ना साडियां अणखां इज्जतां सेफ, सब कुछ दाते लग गया है सिखां दा। आपां गल करांगे वीर भुपिंदर सिंह सज्जन होना दे नाल, जिहड़े साडे नाल इत्थे दिल्ली दे विच आए ने। की है सारा मामला, किवें पुलिस जिहड़ी आ उस परिवार दे मत्थे नहीं लगन दिंदी, सारी गलबात करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी वाहे खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी भाई भुपिंदर सिंह जी, की महसूस कर रहे हो तुसीं इत्थे आए हो, एड्डी वड्डी घटना वापर गई आ, ते दिल्ली दे जिहड़े सिख ने उन्हां दा रवैया ते इह सारा जिहड़े हालात ने इन्हां बारे चानणा जरूर पाओ। इदा हाँ जी, तुम देखा आप कट्ठे ही सके जो जिन्हें भी सज्जन गलबात सुन रहे हैं, आप देखा कि जो आप इतने आने है तो पुलिस वाले पहली तो गल सू अंदर नहीं जान देंगे है। असं उन्होंने कहने कि अफवाह फैली है, कहते जो बाहर अफवाहें फैल रही हैं, ये हो रहा है, हिंदू सिख का मसला बनाया जा रहा है, तो आप उन्होंने ये बेनती करते थे कि जे तुहानू लगता कि अफवाह गलत फैल रही ने, साडी साडे नाल चलो तुसीं अंदर, असीं जा के परिवार दे नाल गलबात करदे आ और जिहड़ी सच्चाई हैगी आ उह असीं बाहर दुनिया तक पुजदी कर दिंदे आ। सो उह जदों सानूं नहीं जाण दिंदे, इक ते उस वेले सानूं इह महसूस हुंदा आ भई इट मीन भई उह प्रशासन खुद चाहुंदा आ कि उदां दीआं अफवाहां फैलण। जी जी जी, मैनूं लगदा फिर इहदा मतलब प्रशासन चाहुंदा आ कि इदां दीआं अफवाहां फैलण ते माहौल खराब होवे। फिर माहौल खराब करन दे लई जिम्मेवार कौण आ भला? की उह लोक जिम्मेवार नहीं हैगे जिहड़े सानूं उत्थे जाण नहीं दिंदे हैगे? इक ते इह गल, दूजी गल जिहड़े इत्थों दे लोकल सिख हैगे आ उन्हां विचों जदों आपां किसे नाल गल करदे आ, इत्थे सानूं इदां दे वी सज्जन मिले तुसीं देख सकदे आ, कोई कहिंदा जी इत्थे कोई एड्डी गलबात ही नहीं हुई, कोई इदां कहिंदा, कोई कहिंदा जी पंजाब दे विच वी तां इदां हुंदा ही आ, पंजाब दे विच वी चिट्टा बिकदा। इक इह गल, एक होर जिहड़ी महत्वपूर्ण गल हैगी आ, इत्थे सानूं इदां दे वीर वी मिले हैगे लोकल जिहड़े खुल के डट के टणका के गल करदे आ, इदां दी वी गल कोई नहीं हैगी कि सारे मरियां जमीरां वाले आ, टणका के गल करन वाले वी हैगे आ। एक जिहड़ी होर बड़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गल जिहड़ी मैं इत्थे महसूस की आ, तुसीं भी की होगी, वह यह आ कि इत्थों दे लोक दसदे आ, लोकल दसदे आ, और जिहड़े ये गल कहिंदे आ भई नहीं जी होया ही कुछ नहीं, यह गल वह भी मनदे आ कि इत्थों दा जिहड़ा सारा इलाका हैगा, एक वारी सारे दिखा दिओ जी, एक वारी सारे घर जिहड़े आ आसे पासे दे इलाके दे लोक, वह दसदे आ कहिंदे भई सारे इलाके दे लोक जिहड़े आ वह ड्रग बेचदे आ, चिट्टा बेचदे आ, नशियां दा व्यापार करदे आ, एदू ज़्यादा एक स्टैप होर अगे जा के वह एक होर दसदे आ भी आह भी हुंदा उत्थे धंधा लफ्ज़ भी बोलदे आ, कहिंदे सारा कुछ हुंदा हैगा। हुण आह जिन्ना कुछ भी हुंदा हैगा आ की इन्ना सारा कुछ पुलिस की मिली भुगत तो बिना हो सकता है? एक मैं पत्रकार भी हैगा, मैं ये गल मन के चलता हैगा कि कभी हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मनदा कि पुलिस इन्नी निकम्मी आ साडे इस मुल्क दी कि उन्हूं पता ही ना कुछ भी होवे, उन्हां नूं सारा कुछ पता, उन्हां नूं जसूसी करदे आ, हर एक बंदे दी जसूसी करदे आ, उन्हां नूं पल पल दी खबर आ। साडे पंजाब दे साबका उप मुख मंत्री सुखबीर बादल जिहड़े हुण कहिंदे मैं मुख मंत्री बनना पंजाब दा, उन्हां दी एक स्टेटमेंट हुंदी सी, मैनूं बड़ी वधिया गल लगदी आ, झूठ नहीं बोलदे सच बोलदे आ, वह कहिंदे पंजाब दीआं सड़कां दे उपर तुरी जांदी सानूं कीड़ी भी नज़र आउंदी है, और मैनूं पता इन्हां नूं कीड़ी तुरी जांदी नज़र आउंदी आ, जे इन्हां नूं कीड़ी तुरी नज़र आउंदी आ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बेदबी दे दोषी क्यों नहीं नज़र आउंदे? आउंदे आ दोषी इन्हां नूं नज़र, ओह पर उन्हां नूं फड़दे नहीं। जिहड़े चिट्टा बेचदे आ इस महल्ले दे विच उह भी इन्हां नूं नज़र आउंदे आ, जे जनानियां पुठे कम करदियां उह भी नज़र आउंदियां। हुण जिहड़ी आ दिल दहलाउण देण वाली घटना हैगी, जी 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 बिल्कुल, उह जिहड़ी घटना नूं जदों आपां चंगी तरह वेखदे आ, मैं जदों कल पंजाब तों तुरिया तां मैं बड़ी मैं उन्होंने स्टूडियो में बैठ के मैं किन्ना चिर उन्होंने वेख्या मेरिया अखा भरिया, मैं वो जिहड़ियां बीबिया सीगियां जिहड़ियां अपनी हाजरी में जिन्होंने सारा कुछ करवाया, मैं उन्होंने मनोदशा पढ़ने की कोशिश कर रहा सगा। यह नहीं हैगा कि गुस्से में आके मौके पर सारा कुछ हो गया, वो पिछे तुम देखो कि मैं तुम इतने टोकांगा बीबी शब्द बहुत उन्होंने माड़ा ही है जी, माड़ा ही आ, पर मैं लगता कि साढ़े ना साडे जहन में गल बड़ी हुई है, असी एक सिख भी है, साडे जहन में एक औरत के प्रति सत्कार बनया हुआ, इस करके मैं लगता कि शर्म भी आनी चाहिए हैगी उन्होंने, असी तो साढ़े मूँह के उपर चढ़िया हुआ बीबी लफज, अभी तो बीबी कह के संबोधित करते हैं, पर तुसी बीबी वाली गल कोई नहीं की हैगी। सो वो तुसी देखो उन्हां दी मानसिकता, उन्हां दे ज़हनियत दे विच गल पई हुई है भई केस कतल करने है, मूँह काला करना, ताड़ियां मारनियाँ, और अपने जड़े मर्द हैगे आ उन्हां अपनी हाजरी दे विच उन्हां दे कोलों जबर जनाह करवाउणा। सो ये जड़ी मानसिकता हैगी आ, एक आम जड़ी औरत हैगी आ, आम घरेलू औरत उह इदां नहीं कर सकदी। सो जदों जांच पड़ताल की जाऊंगी महल्ले विच इनकुआरी करके वेख लो,
पता लग जूगा भी किस किस्म की मानसिकता हैगी मेरे को फिर बीबी कह हो लगा सगा उन्हां औरतां दी मानसिकता किदां दी होऊगी। सो इदां दी मानसिकता लैके जिहड़े लोग इस महल्ले विच रह रहे आ अंदाजा लाया जा सकदा। एक मेरे होर मेरा दिल रोंदा हैगा जदों मैं महसूस करदा जो सोशल मीडिया दा योग आ उन्हां ने आपे ही वीडियो बनाई हैगी आ और बाद च वायरल हुंदी आ और 84 दे विच जदों सोशल मीडिया नहीं सी जदों साडे कल्ले कल्ले दी जेब दे विच इदां मोबाइल नहीं सी हुंदे उदों सरकार की भी शह सी जदों आ सारा पुलिस का खाखी वाले जदों सारे नाल रले हो सके उस वेले दुनिया भर में बसते सिख गैर सिख भी वह अंदाजा ला के वेखण के उस वेले दिल्ली दियां इन्हां सड़कां दे उपर इन्हां गलियां दे विच की कुछ ना होया होगा अंदाजा लाया जा सकता। जो कुछ दिल्ली दे विच वापरिया अज तो 35-36 साल पहला बेशक लोग कहिंदे ने कि दिल्ली दे जिहड़े धनाड़ सिख ने उन्होंने पहला भी निहत्थे करके कौम नूं मरवाण विच सफल भूमिका निभाई है तो फिर दिल्ली दियां चपलां झाड़ियां उन्हां लोकां ने और अज तुहानूं लगदा नहीं भी उही सिख दुबारे दिल्ली दियां चपलां झाड़ रहे ने जिहड़े आ के पंजाबों आए सिखां नूं और पत्रकारां नूं चिड़ा रहे ने और हत्थ फड़ फड़ के कहिंदे ने कि तुसीं गलत अफवाह फैलांदे हो साडे नाल इत्थे कुछ नहीं होया साडी भाईचारक सांझ कायम है दिल्ली दे विच कदी भी सिखां नाल कुछ होया नहीं। एड्डी वड्डा गुनाह किवें कर सकदे ने कि दिल्ली दे विच सिखां नाल कुछ नहीं होया पूरी कंट्री दे विच सिखां नूं निशाना बनाएगा और इस गल कदी कोई भुल्लिया नहीं। और तुसीं एक गल तुसीं पत्रकार वी तुसीं इह गल दसो कि तुहानूं लगदी कि रत्ता भर भी 84 वाली नवंबर वाली जिहड़ी घटना उस तों इह रत्ती भर भी इधर उधर होई जाए जिवें उस कुड़ी नूं घुमाया गया जिवें उत्थे ताड़ियां मारी गईआं जिवें उहदे वाल कट्टे गए उहदा मूँह काला कीता गया उहदे गुप्त अंगां दे विच मिर्चां तक पाईआं तुसीं दस दिओ कलेजा नहीं पाड़ जांदा जिहड़ी कौम दियां धीआं नाल इदां दे वरतारे वापर जाण ते ओह बंदा लाल रंग दी जैकट पा के चिट्टे कपड़े पा के तैयार हो के ते सफेद झूठ मार के गया ते उत्थों दे इक टैक्सी ड्राइवर ने उहदे मूँह ते कहा कि तुसीं जीरो हो तुसीं कख दे नहीं हैगे तुहाडे तुहाडीआं अक्खां सामणे सारा कुछ हुंदा तुसीं जिहड़ा प्रशासन है जद ओह इस परिवार नूं मिल नहीं दूगा धी नूं मिल नहीं देणगे परिवार नाल दुख सुख नहीं करन देणगे फिर असी अपने आईडीए दे नाल गल करके लोकां तक पहुँचावांगे जद सच सामने तुहानूं लगदा नहीं भी प्रशासन मिली भुगत नाल इस कंट्री दे विच कोई वड्डी घटनावां करवाउणा चाहुंदा आ। बिल्कुल बिल्कुल लगता जी इदा प्रशासन मिली भुगत दे नाल सारा कुछ करना ते करवाउणा चाहुंदा। हुण जिहड़ी लीडरां दी तुसीं गल करदे आ जां आपां जो देखदे हैगे आ जिद्दां मैं पहलां वी कह के हटिया कि जिहड़ियां झूठियां अफवाहां इन्हां दे मुताबिक फैल रहीआं ने भी हिंदू सिख का मसला बनाया जा रहा मैं ये गल कहना एक पत्रकार होण दे नाते असी इत्थे नूं 400 किलोमीटर दूर सफ़र तय करके इसे करके आए हाँ कि हकीकत जिहड़ी आ जमीनी हकीकत वह दुनिया नूं दसी जा सके पर अगले जाण नहीं दिंदे जदों नहीं जाण दिंदे इहदा मतलब यह आ कि ये चाहुंदे आ कि जिहड़ियां उह झूठियां खबरां फैल रहीआं ने भी वह फैलण एक ऐदा क्यों चाहते हैगे आ जदों कि सरकारां हुकूमतां ते ये चाहुंदियां हुंदियां ने कि जिहड़ी ये गलबात हैगी इदां दी ओह ना होवे। हुण स्टेटमेंट आउंदी आ साबका दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा वह ये गल कहिंदे आ कि नहीं जी इसको धार्मिक रंगित ना दी जाए। मैं उहनां नूं सवाल पुछणा चाहुंदा है कि तुसीं आओ इत्थे तुसीं सानूं पत्रकारां नूं नाल लै के जाओ उत्थे असीं फिर वेख लाँगे भी किदां दी रंगत उत्थे हैगी आ। हुण जदों तुसीं जाण ही नहीं दिंदे हैगे जदों तुसीं आप आउंदे ही नहीं हैगे नाल फिर तुहानूं की हक रह जांदा इह गल कहिण दा कि इहनूं आह रंगत ना दिओ तां उहनूं उह रंगत ना दिओ। हुण इत्थे खड़े हाँ असीं बाहर खड़े हाँ अंदर जदों हुण सानूं नहीं जाण दित्ता फिर हुण साडी मर्जी आ ना हुण साडे ज़िहन विच जो आउंदा सी उह बोलदे पए हाँ जे सानूं अंदर जाण दित्ता हुंदा तां असीं आप ही गल ना करदे। फिर तुसीं देखो इहनां हुण साडे कल इक वीर निहंग सिंह अमृतपाल सिंह मैरो उह उत्थे जा के आए आ हुण जदों उत्थे लिख के आया हैगा भारतीय मीडिया हुण देखो तुसीं मिर्चा किदा लगदियां उहनां नूं जदों उत्थे लिख के आया कि सिख इहदा बदला लैणगे सिख इहदा बदला लैणगे। हुण जदों सिख इदां दी गल कोई करदा हैगा उस वेले फिर बड़ा ही टप्पदे हैगे आ। हुण जदों इस किस्म दी गल हुंदी आ उस वेले भारतीय मीडिया इहदी व्याख्या किस तरीके नाल करदा हैगा उह व्याख्या जिहड़ी जिस तरीके नाल कीती जांदी आ उह बड़ी महत्वपूर्ण आ उहनूं समझण दी जरूरत आ भी इस किस्म दी घटना दी व्याख्या उह किदां करदे आ। फिर जिहड़ी तुसीं गल कीती 84 वाले मैं इह गल कहिंदा कि 84 वेले इस तों घट की ना होया होगा किहड़ी गल बाकी रह गई एक हुंदा किसी नूं कुट्टिया मारिया जाना पहली गल मैं इह गल करनी चाहुंदा भी जे उस कुड़ी दा कोई कसूर सी मन लो मुंडे दी उम्र घट वा कुड़ी उम्र ज़्यादा आ कुड़ी मैरिड है एक बच्चे की माँ आ ठीक है जी चलो आपां कहिंदे आ भी उह हिंदू होगा ना होगा आपां नूं नहीं पता। हुण जे आपां कहीए भी हिंदू सिख का मामला जदों अंदर जाण नहीं दिंदे फिर की बोलीए तो की ना बोलीए जे
मान लो एक दूजे किसी ना कोई अट्रैक्शन हो गई, कोई एक दूजा उन्होंने किसी ना उन्हें लगाव हो गया कुड़ी के नाल, हूँ अगली मैरिड आ, वो एक बच्चे की माँ आ, और नहीं वो कोई सांझ रखना चाहती सी, मुंडे ने सुसाइड कर लिया। हुण जे उन्हां नूं लगदा सीगा महल्ले वालियां नूं जो परिवार वालियां नूं भी उहदी वजह करके साडा मुंडा मरिया, तां की इस गल नूं प्रवानगी दित्ती जा सकदी है भी इस तरीके दे नाल कोई किसे दे नाल पेश आवे? अपने ते ला के देखी जा सकदी है गल, कानून कादे वास्ते आ, आ पुलिस कादे वास्ते आ, अदालतां कादे वास्ते आ? जे इहनां दे उपर जिद्दां सिख कहिंदे सानूं भरोसा नहीं, जे इहनां नूं भी नहीं भरोसा हैगा तुसीं आ चौंक दे विच खड़े करके तुसीं कुड़ी नूं भी वढ दिंदे? पर आ जिहड़ा काम हैगा जिस तरीके नाल कीता गया हैगा, मैं हैरान हुंदा हैगा उहनां दी मानसिकता। एक सिख कदी सोच भी नहीं सकता, आ हुण जिहड़े कहिंदे ना भी उह भी सिख वा, ते उह भी सिख ही आ जी, सिख भला सोच सकदा इदां? और दूजिया दियां धियां भैणां दियां इज्जतां बचाउण वाली कौम कदे दा सोच ही नहीं सकती हैगी वी किसे दी बच्ची दे नाल इस तरीके दे नाल। वो जनानियां अपनी हाजरी दे विच, और जिहड़े कहिंदे तुहानूं सिख वा तुसीं दसो जी, तुसीं सिख बच्चियां सिख बीबियां इदां कर सकदियां ने? सिख औरतां इदां नहीं कर सकदियां? कौन लोग ने जिन्हां ने अपनी हाजरी दे विच बंदियां दे कोलों उन्हां दे नाल गैंग रेप करवाता? बीबियां बिल्कुल मौजूद सीगियां, और जिहड़ी अज पुलिस वालों एक खबर नशर की गई है वह आपां बोल भी नहीं सकते कि जो उस कुड़ी नाल उत्थे घटना वापरी और उन्हां औरतां दे सामने वापरी। एक गल जरूर दसो, तुहानूं लगदा नहीं कि दिल्ली दे जिहड़े सिख ने ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਤਾ? ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ? ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਕ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੀ ਦੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝਲਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅੱਡਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਿਗਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਟਣ ਤਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਸਾਂਝਾਂ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਾੜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਮਾੜਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ RSS ਅਤੇ BJP ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਮੂਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ 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 ਜਾਇਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਇਓ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬਚਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇ
और जो प्रोफेसर भुल्लर होना वाला मामला है वो दब के रह जाए, हो सकता इदा चाहते हो, पर मैं लगता कि पंजाब के जोड़े सिख ने पंजाब के लोग इंसाफ पसंद लोग उन्होंने जरूर यह गल अपने जहन में रखनी पेगी आ जी घटना हैगी भी डट के विरोध किया जाए और नोटिस सख्त लिया जाए। और अरविंद केजरीवाल इतों के मुख्यमंत्री जो थोड़े पंजाब सड़कों के उपर थोड़े दर के मूहरे जाके जो वोटा मंगन ना उन्होंने को जाके आ भी गल पुछो उत्ते शांति मार्च कढ़ दे जाके पंजाब सड़कों के उपर हाथ के तिरंगा फड़ के और पंजाब के लोग मैं सोचना कि बाबा जी वो तिरंगा फड़ के हाथ च एक पास तुसी किसानी संघर्ष जित के फतेह मार्च कढ़ रहे हो और सिख फतेह मार्च कढ़ रहे वो हत्थां दे विच तिरंगे फड़ा के शांति मार्च कढ़ रहे। मैं केजरीवाल नूं कहना चाहुंदा तेरे अपने दिल्ली दे विच तू कहना भी मेरी अद्धी सरकार आ फलानी, मैं कहना तुहाडियां दिल्ली विच दो सरकार आ, एक बीजेपी दी ते इक तुहाडी आ, इत्थे कढ़ो हां मार्च है सड़क दे उपर इन्हां गलियां दे विच, हां जिहड़े डराउंदे सीगे उत्थे जाओ ना जिउंदे वापस नहीं आउंदे, इत्थे खड़े आ कड़ा सानू मार लगा जी इत्थे। उत्थे बाहर एक वीर मिलिया मैनू, वो कहिंदा भाई साहब जी खाणा छकणा दसो, एक भरा आया कहिंदा भाजी आओ घर नू चलियो कहिंदा चाह पीओ, वो सानू चाह पिलाउण डिया वह एवं डराउण डिया। पर तुहानू लगदा नहीं भी जे अपनी दोवां दी इत्थे मौत हो जाए तो बेहतर नहीं हैगा जिवें साडे साडी कौम दे हालात जिहड़ी मैं नहीं मैं नहीं चाहुंदा जी कि अपनी मौत हो जाए, मैं चाहुंदा कि साडी हले मौत ना होवे, मैनू इदा लगता हैगा। मैनू लगता कि जिहड़ा साडा पत्रकार भाईचारा ना लोकतंत्र दा किहा जांदा थम चौथा थम मीडिया, मैं लगता कि वह टुट के डिग चुका है और डिगे हुए थम की जगह के उपर रातों रात इतों दी हुकूमत ने एक नकली थम खड़ा किया होया जिहड़ा कि प्लास्टिक जिहदा कह लो जां गत्ते दा हैगा अंदरों खोखलाया। सो बाबा जी मैं लगता कि अपनी मौत इत्थे नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने उन्होंने कहा कि तुसी वापस नहीं आ सकते, मैं कहना भी जे तुसी मतलब सच ही नहीं बोलना तो फिर इदू मौत चंगी है, जे हाँ जे सच नहीं बोलना फिर तो उदू मौत चंगी, पर मैंने लगता कि आप सच उत्थे जाके भी बोलेंगे कोई एड्डी गल नहीं कि सानू नहीं मार लगे महल वाले आ बीबिया सानू कुछ नहीं कह लगा जी, आप सारी गलबात करते तोड़ ही जावे बेटे को कहेंगे कि सारी जी गलबात वो सानू आ तुसी देख रहे हो कि आ जी गली आ ये दोवें पासों गली आउंदी आ ते इत्थे वो बेटी का जिहड़ा घर आ इत्थे जिहड़े सीनियर अधिकारी ने दिल्ली पुलिस के ACP साहब ने तो होर भी जिहड़े सीनियर अधिकारी ने उन्हां वल्लों ये कहा गया आ कि किसी भी पत्रकार नूं अंदर नहीं जाण दित्ता, अंदर की तस्वीर की आ वह बयान नहीं की जा सकती, कुछ अफवाहां इदां दी आईआं कि उस बेटी की डैथ हो गई आ पर जिहड़ी आ कि ये गल तस्वीर अजे तक क्लीयर नहीं हुई। सानू भरोसे योग जिहड़े इत्थे परिवार ने तो पता लगा कि बेटी ठीक है जिंदा अगे नालों वो बेहतर है, तुहानू इदां दी कोई गल लगी आ कोई भी बेटी जिहड़ी आ वो कित्थे आ किवें आ? सानू जो इत्थे सुणदे ही आ जी इदां हुण जाण दिंदे परिवार दे नाल गल हुंदी तां पता लगदा जां कोई अफसर आप स्टेटमेंट देण उहदा गल्लां सुणदे आ कहिंदे भी ठीक आ उह जिदा कल अफवाह फैल गई थी भी खुदकुशी कर ली पे इदां दी गल है नहीं कोई ठीक ठाक आ कहिंदे पुलिस की कस्टडी चाहे ही पता लग रहा पुलिस की कस्टडी है आ नाका है एक पासे दिल्ली पुलिस का जिहड़ा इस घर नूं एक नाका है तुहानू दूजे पासे भी सी भुपिंदर सिंह सज्जन जी तुहानू किवें लगदा चारे पासों जिहड़ा इहनां नूं हां मैं जी ये जो ना बनाया हुआ एक तो मैं ये लगता एक मैं दिखाना चाहूँगा माड़ा जिहा दिखा दिओ जी श्री राम चौंक कस्तूरबा नगर दे विच आपां खड़े हैगे आ श्री राम चौंक कस्तूरबा नगर श्री राम चौंक कस्तूरबा नगर सानू किसी गल का अजे तक नहीं पता कि वह बेटी कित्थे आ अफवाहां ने कोई कहिंदा हस्पताल आ कोई कहिंदा पुलिस कस्टडी है कोई कहिंदा महिला विभाग को अजे तक तुहानू कोई जानकारी है नहीं जी सानू इत्थे सुने ही आ इदां गल्लां सुणदे ही आ इत्थे वकीलां दा पैनल आया सीगा और इत्थे लागला जिहड़ा हलका हैगा उत्थों दे दिल्ली कमेटी दे मैंबर भी आए सीगे वह भी इत्थे जाण दी कोशिश कीती उन्होंने भी नहीं जाण दित्ता अंदर परिवार नूं मिलना चाहुंदे सीगे और वकीलों की जी टीम आई है जिन्होंने केस की पैरवाई करनी हैगी पंजाब चो जी वड्डी टीम आई सी जी एक मैंबरी टीम जी अपने पंजाब का जिहड़ा SGPC का प्रधान आ जी उन्हें वड्डा जथा इत्थे भेजा एक मैंबरी टीम वह भी तुसीं देखी होनी केड़ा जी मेरे मैंबरी टीम आई सी उन्हां दी पंजाब चो इत्थे पता करन वास्ते भी कुड़ी हैगी है कि नहीं है नहीं जी वह नहीं मेरे वो भी इत्थे आ के गए ने तुहाडी नज़र च नहीं पए ये गली नूं भी बंद किया गया आ तुसीं देख सकते हो इधरों भी आ ते जिहड़े सीनियर इत्थों दे लीडर ने वो भी इत्थे आए ने उन्हां नूं भी जिहड़ी आ प्रशासन वल्लों अंदर नहीं जाण दित्ता गया ते असीं तुहानूं एक गल एक रस्ता ये आ एक इस तों अगे आ असीं फिर भी जिहड़े दिल्ली कमेटी वल्लों वकील आए ने वकीलों का पैनल आया उन्हां नाल भी असीं गलबात करांगे कि जिहड़ी कानूनी जिहड़ी गलबात आ उह किस दायरे च आउंदी आ किहड़ी चीज़ असीं विखा सकदे आ किहड़ी नहीं विखा सकदे क्योंकि अपने आप च बहुत वड्डी एक घटना वापरी आ दिल दहल गया दिल्ली शर्मसार हुई आ पूरी दुनिया शर्मसार हुई आ इस घटना लई जिन्हां ने
तमाशबीन बन के इस धी का जड़ा रेप किया और ताड़िया मारिया ने लगभग जड़ा मसले कितने ना कि दबाने की भी कोशिश की जा रही है।